हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स कुकिंग। और मैं हूं आपका दोस्त विनीत कुमार, और ये हैं आपकी दोस्त अनिका। और आज हम बनाने वाले हैं मिल्क केक। ये मिल्क केक बहुत ही स्वादिष्ट बना है, तो इसका जो रिव्यू है मैं आपको रिव्यू दिलाता हूं। तो अनिका जी, आप रिव्यू दीजिए, मिल्क केक कैसा बना था? मिल्क केक बहुत अच्छा बना था, आप उसे घर पर ज़रूर बनाएगा। तो आपने सुना मिल्क केक बहुत ही स्वादिष्ट बना था, और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल्क केक, बाजार जैसा मिल्क केक घर में कैसे रेडी करें, और यहाँ पर मैं सारी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। तो मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिल्क केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, और लगभग 300 ग्राम मैंने चीनी लिया है, 1 नींबू, और लगभग 50 ग्राम देसी घी। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में मिल्क गरम करूँगा, और ध्यान रखना है कि कढ़ाई मोटे तलवे की लेनी है, और हो सके तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करें। नॉर्मली आपने देखा होगा हलवाई हमेशा मिठाई बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस के फ्लेम को तेज करके दूध में उबाल लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें दूध को, जो मैंने 2 लीटर मिल्क लिया है, इसको हमें जलाकर 1 लीटर करना है। तो मिल्क केक को जमाने के लिए आप कोई सा बर्तन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे केक टिन यूज़ कर रहा हूँ, और एक मोटा सा टॉवल। तो केक टिन को हम ग्रीस करके रख लेते हैं, और यहाँ पर ध्यान रहे जो हम इसको टॉवल यूज करने वाले हैं तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कि हम उसको अच्छी तरह से कवर कर सकें अपने बर्तन को। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें मिल्क को जलाते समय लगातार चलाते रहना है। हमारा जो मिल्क है वो कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो क्वांटिटी है वो लगभग 50% रह गई है। और अब यहाँ पर जो मैंने नींबू लिया था, तो नींबू को काट के उसका रस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा नींबू का रस निकाला है, और नींबू के रस को हम बहुत ही धीरे धीरे ऐड करेंगे, बिल्कुल क्वांटिटी कम रखेंगे धीरे धीरे करके। जो मैंने ट्रिक की बात की थी वो यहाँ पर ट्रिक यही है कि नींबू का रस जो हम इसमें डालेंगे बहुत धीरे धीरे डालेंगे। यदि आप चाहें तो फिटकरी यूज कर सकते हैं, बट फिटकरी की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम यूज करनी है आपको। तो थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, और थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। हमारा जो दूध फटेगा, हल्के हल्के दाने पड़ेंगे, तो उसमें 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने आधा नींबू लिया था, और उसमें से भी हमने कुछ बचा लिया है, और हमारा दूध भी फट चुका है, उसमें दाने पड़ गए हैं, और ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है फटने के बाद। और यहाँ पर अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। जिस तरीके से हमने नींबू को ऐड किया था धीरे धीरे, इसमें जो ट्रिक है मिल्क केक में, एक ही ट्रिक यूज में आती है कि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और सारी क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं चीनी को भी धीरे धीरे ऐड करूँगा, इसमें एक साथ सारी चीनी ऐड नहीं करनी है। तो लगभग 300 ग्राम जो मैंने चीनी ली है, इसको 4 से 5 बार में धीरे धीरे ऐड करूँगा। और इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो मैं अपनी सारी चीनी ऐड कर देता हूँ, और इसको लगभग 1 मिनट तक हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसके बाद जो हमने देसी घी लिया था, देसी घी ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो देसी घी ऐड करते हुए भी ध्यान रखना है कि देसी घी हमें धीरे धीरे ऐड करना है, एक साथ सारा देसी घी ऐड नहीं करना है, और इसको लगातार इसी तरीके से चलाते रहना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इस समय छींटे मारता है, आप देख सकते हैं ये छींटे मार रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसको लगातार चलाते रहना है।
तो लगभग 4 से 5 मिनट चलाने के बाद हमारा मिल्क केक हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा और आपको लगने लगेगा कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें और कढ़ाई हमारा जो मावा है वो छोड़ना स्टार्ट कर देगी। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं इसको अपने केक टिन में निकाल लेता हूँ। केक टिन में निकालने के बाद फ्रेंड्स करना क्या है, इसको हम ढक देंगे, किसी प्लेट से ढक देंगे इसको अच्छी तरह से और इसको कवर करना है। तो नॉर्मली होता क्या है, हलवाई इसको मिल्क केक को कवर करने के लिए बोरा वगैरह यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो हीट है वो अंदर तक रहनी चाहिए लगभग 3 से 4 घंटे तक। तो इसको हम लगभग 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। तो लगभग 3 घंटे बाद हम खोल के देखते हैं अपना मिल्क केक। लगभग 3 घंटे हो गए हैं, तो चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो हमारा जो मिल्क केक है बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल अच्छा और सुंदर और स्वादिष्ट मिल्क केक बन के रेडी हो गया। और मैं यहाँ पर मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ इसका कि अंदर से जो इसका टेक्सचर है वो कैसा है, क्योंकि बाहर से जो कलर है वो थोड़ा सा आपको वाइट लग रहा है बट अंदर से देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो अंदर है हमारा बिल्कुल ग्रे कलर आया है। तो मतलब ये बीज से बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है और कितना दानेदार बना है आप देख सकते हैं और कितने आसानी से मैंने इसको रेडी किया है। तो आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से इसको रेडी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए कितना दानेदार मिल्क केक मैंने रेडी किया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।